राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करांगे आप जिन स्टूडेंट्स का पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया या फिर उन्होंने रेफर शीट कर दिया तो दूसरी लिस्ट के बारे में। तो उससे पहले भाई कॉन्ग्रेचुलेशन सारे स्टूडेंट्स को जिनका पहली लिस्ट में नाम आ गया है और उन्होंने एडमिशन ले लिया। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया एक बार नीचे कमेंट करके बता देना किस किस कॉलेज में हुआ है। तो अब बात करते हैं कि दूसरी मेरिट लिस्ट के बारे में। तो जिन भी बच्चों का कम परसेंटेज आए हैं या फिर आपका डाटा नोट फाउंड आ रहा या फिर आपने रेफर शीट कर दिया, इन तीनों ऑप्शन में आपका जो मेरिट लिस्ट है वो दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेज होते हैं। आपकी जो दूसरी मेरिट लिस्ट है वो लगेगी आपकी 19 तारीख को। ठीक है, 19 अगस्त को शाम 5 बजे आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके बाद 20 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक आप अपनी फीस जमा करवा सकते हो और आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको कॉलेज में जाके करवानी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट हो रहा है कि भाई हमारी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है घर से ही हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो भाई आपको फीस ऑनलाइन कटवानी है लेकिन आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपको कॉलेज में जाना है। ठीक है, जो बच्चे अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया है उन बच्चों को भी सेम ही करना है कि आपका जो कॉलेज है उसमें जाओ, जिस कॉलेज में नाम आया ऑनलाइन फीस कटवाओ किसी भी कैफे से, उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लेके और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेके कॉलेज में जाना है। ठीक है, ऑफलाइन कॉलेज में जाना 16 तारीख लास्ट डेट है, कल की शायद छुट्टी भी हो जाए भाई। ठीक है, 15 अगस्त है तो इस वजह से, लेकिन आपको भाई 16 तारीख को कंपलसरी जाना है। जो बच्चा अगर नहीं गया उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, चाहे उसका मेरिट लिस्ट में नाम आओ ना आओ। बात से तो यह बात ना कहियो कि भाई मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मैसेज नहीं आया, मेल नहीं आया। हर बच्चे के पास कोई मैसेज कोई मेल नहीं कर रहा है, आपको खुद इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। खुद का आपका एडमिशन नहीं DHE वालों का। ठीक है, आपकी जो फीस है वो अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो उसमें इंस्टॉलमेंट में होती है फीस, 2 या 3 इंस्टॉलमेंट लेते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है वो 5 से 7 हज़ार रुपये के अराउंड रहती है, वो आप आराम से फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही बताना था, जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो 19 तारीख को लगेगी, 20 तारीख से लेके और 23 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस सबमिट होगी। उसके बाद जो सीटें बच जाएंगी 26 तारीख को उनके लिए ओपन काउंसलिंग होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही बताना था, होप करता वीडियो समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेके, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। राम राम।